પુરુષા સ્કૂલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે કેમ છો બાર મિત્રો મજામાં ને આજે આપણે હિન્દીમાં ધોરણ છ ની અંદર પાઠ છે છઠ્ઠો સુબહ એના અભ્યાસનો બીજા પ્રશ્નથી આગળ ભણીશું પ્રશ્ન નંબર બીજામાં છે અ પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજી એમાં પેલું છે દીદી આપકા યહ ધમ્મા ધક્કા મુજે હંમેશા યાદ રહેગા ગોલુને રેસમાં છે એસા ક્યો કહા જવાબમાં ઉસ ધક્કે કે કારણ વહ ફટાકે છે જલને છે બચ ગયા था बीजू रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी भाव समझाइए जवाब में पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत से कभी नहीं कभी कमी नहीं आई थी वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी पोलियो से उसके पेड़ निकम्मे हो गए थे पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ દાખલા લે ધોરણમાં ભણો છો છઠ્ઠા ધોરણમાં એમાં કોઈ અપંગ છે કે એ વ્યક્તિ છે તે ન્યા એડમિશન લે અને તમારી સાથે ભણવા આવે તો તમારે એની સાથે કેવું વર્તન કરો એ તમારી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ લખવાના છે હવે પ્રશ્ન નંબર 3 सोचकर बताइए એટલે કે તમારે વિચારીને આના જવાબ છે તે તમારે બતાવવાના છે દિવાળી પર આપકે પરિવાર મેં ક્યા ક્યા વિશેષ તૈયારીયા કી જાતી હૈ બીજો ક્યા દિવાળી પર ફટાકે છોડાને ચાહીએ ક્યો કિસી એસી ઘટના કા વર્ણન કીજીએ જબ આપકો કિસીને બતાયા હો يا આપકે કિસી કી સહાયતા કી હુઆ તમારી રીતે છે પ્રશ્ના જવાબ છે તમારે લખવાના છે હવે સ્વાધ્યાય નો પેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર दीजिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई सफाई क्यों कर रहे थे तो के जवाब में दीपावली का त्योहार निकट था त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे बीजो प्रश्न रेशमा का घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया था तो रेशमा जब पांच वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था उसके दोनों पे निकम में हो निकम थे इसी शारीरिक सफाई में नहीं लगाया गया था प्रश्न नंबर त्र रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की जवाब अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाया फिर वहाँ एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई इस प्रकार कुर्सी पर बैठ बैठ रेशमा ने माँ की मदद की प्रश्न नंबर चार माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा तो कि माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी पति दफ्तर चले गए थे बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था दादा दादी बहुत बोझुद थे माँ का माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए सामान मैं ले आऊँगी रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा पाँचवों रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों माया गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझ छोड़ दिया था कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी और गोलू की पीठ फटाके की तरफ थी रेशमा ने यह देखा और चिल्लाया और ने गोलू को हट जाने के लिए कहा पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ठकेल के हुए गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई उसी समय फटाके और जोर से फूटा इस प्रकार गोलू को फटाके से बचाने के लिए रेशमा ने मदद की प्रश्न नंबर बीजो रेशमा की जिंदा दिल्ली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए तो जवाब में पोलियो के कारण रेशमा के पेड़ निकम्मे हो गए थे लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ वह अपने सारे काम स्वयं करती है वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है अपनी पहले

लाई बीजू से रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा तीजु आवश्यक गोलू अपने दोस्तों के साथ फटाखे छुटाने में मस्त था चौथु रेशमा ने गोलू को जोर से थक्का मारा पांचों माँ ने रेशमा से कहा कहीं चोट तो नहीं आई छठू सबने रेशमा की पीठ ठपठ पाई प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए आंखों का तारा होना तो के का तारा होना तो के बहुत प्यारा होना जब वाक्यों राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है हाथ बटाना तो के काम में मदद करना दादी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है पीठ ठप थप ठपा ना તો કે સાબાસી દેના મુજે પ્રતિયોગિતા મે ઇનામ મિલને પાય પિતાજીને મેરી પીઠ થપ થપા ઈ હવે પ્રશ્ન નંબર 5 ઉદાહરણ અનુસાર શબ્દો કે ઉપયોગ કર વાક્ય લખી ઉદાહરણ છે કી તો કે કી તો પેલું બસે ઉસને કહા કી વહ નિર્દોષ સે મેને જીવન કી સહાયતા કી હવે બીજુ છે ઇસलिए અને તાકી એના પછીનો આપ બનાવાનો છે તો કે મદારી તમાશા દેખા હે ઇસलिए લોક જમા હો ગયે ने ताकि तो के मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न तो तो मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ रही थी जबकि बेटा सावली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे है और अने और तो के मैं आपको और ही आ रहा था और तो के भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे है मैंने मैं तो मैं पढ़ता हूँ बच्चे मैं तो बच्चे घर में शोर मचा रहे है प्रश्न नंबर छ नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए माँ से माँ को मिलने ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा तो माँ से मिलने मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा बीजू छे ऐसी कई घटनाएँ मेरे साथ घटी है तो के ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी है बीजू परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की त्रीजु रात को मैंने सुंदर सपना देखा तो रात को हमने सुंदर सपना देखा जो तो भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया भूकंप के झटके आए, फिर भी मैं नहीं घबराया प्रश्न नंबर नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दों के क्रम अनुसार લીખીએ તો કે નીચે આ શબ્દ આપ્યા છે તે ક્રમમાં તમારે છે ચિત્ર વિશે લખવાના છે તો મહેનત ભૂકંપ સુંદર મરીચ શ્રેષ્ઠ નિર્દોષ તુફાન અંગૂર અને આકાશ ચાલો આપણે નીચે લખશું મારી સાથે તમે પણ લખતા જાજો તો પહેલું આવશે અંગુર આકાશ તુફાન નિર્દોષ ભૂકંપ મરીચ મહેનત શ્રેષ્ઠ અને સુંદર ચાલો બાળકો અહીં આપણે સ્વાધ્યાય છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ નવા પાઠ સાથે ફરી મળીશું ગુડ બાય